आपको पता है वर्ल्ड का जो दूसरा आईवीएफ बेबी था पैदा हुआ इंडिया में, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ये डॉक्टर हजारीबाग उड़ीसा और बिहार के प्रोविंस के एरिया के रहने वाले थे और 50 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी डिस्कवरी, इतनी बड़ी साइंस, यानी सेकेंड आईवीएफ बेबी ऑफ द वर्ल्ड देने के बाद 1981 में 3 अक्टूबर 1978 को 67 डेज आफ्टर 25th ऑफ जुलाई 1978 ये बेटी पैदा हुई थी, एक और बेटी। उसका नाम उन्होंने रखा दुर्गा। उसका असल नाम लोगों को नहीं बताया था उस वक्त और उसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल और वो आज एक मल्टीनेशनल फर्म में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हैसियत से दिल्ली में काम करती है। उसके पेरेंट्स और कनुप्रिया को उनकी रिकग्निशन मिली ही नहीं तो डॉक्टर को क्या मिलती। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को बहुत अड़चनों और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनकी साइंस और उनके साइंटिफिक पेपर को इंडिया की बॉडीज ने, इंटरनेशनल बॉडीज तक पहुंचने नहीं दिया। उनको अब्रॉड ट्रैवल करके ये साइंस की डिस्कवरी को शेयर करने नहीं दिया। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उनको सजा दी, रेप्रिमांड किया, उनको पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसीज के अंदर फंसा के रखा, उनकी हाहाकार करी, उनकी खिल्ली उड़ाई, उनके साथ हिपोक्रेसी करी, उनके साथ जातियां करी। हार के 3 साल के बाद 50 साल की केवल छोटी सी उम्र पे 1981 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। उनके आखिरी शब्द थे, क्या मैं हर रोज इस कठिनाई की जिंदगी में हार्ट अटैक आने का इंतजार करूं? और उन्होंने जाके अपने आप सुसाइड कर लिया। ये तो थी उनकी कहानी, यानी वर्ल्ड के सेकेंड आईवीएफ बेबी को वर्ल्ड तक ही नहीं पहुंचने दिया गया और दुनिया को ये मालूम ही नहीं था, इंडिया में ही ये बात रह गई। इस दर्दनाक कहानी पर एक डॉक्टर की मौत एक मूवी बनाई गई, जो आप लोगों को पता होगा काफ़ी अवॉर्डेड मूवी थी, जो तपन सिन्हा ने बनाई। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय MBBS करे थे और उससे पहले उन्होंने BSc करी थी फिजियोलॉजी में, फिर MBBS करी थी कलकत्ता से, फिर वो एक PhD नहीं, दो PhD थे। एक PhD उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से करी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में और दूसरी एडिनबरा से जाके 1967 में करी, जो कि रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी में थी। इतने गुणवान पर रिकग्निशन नहीं मिला। आगे की कहानी बताती हूँ। कुछ साल पहले करीब 2012 में TC आनंद कुमार जी, जो कि IRR के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हाथ लगे कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा खुलासे से कुछ हाथ से लिखे हुए खुद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के और कुछ बाकी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स मिले, जहां पर पूरी तकनीक विभिन्न विभिन्न पेपर में बाकायदा तरीके से विस्तार से टेस्ट ट्यूब बेबी के होने की डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने बताई थी। इस पेपर को उनके सामने लाने में और उनकी की गई गतिशील IVF की टेक्नोलॉजी के विटनेस और उनके साथी थे डॉक्टर सुनील कुमार मुखर्जी, जो कि उनके एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। और तब जब डिलीवरी हुई थी कनुप्रिया की, जो कि दुर्गा के नाम से कहलाई गई थी 1978 में, यानी कि जो दरअसल भारत देश की सबसे पहली IVF बेबी और वर्ल्ड की सेकेंड IVF बेबी थी, वो शांता कुमारी भट्टाचार्य जी, जो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी करी थी। तो डॉक्टर सुनील कुमार मुखर्जी ने इसकी पुष्टि दी, डॉक्टर आनंद कुमार ने उनके क्रेडिट्स दिए और आज के दिन में दुर्गा कनुप्रिया को फर्स्ट IVF बेबी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड का सेकेंड IVF बेबी माना जाता है। दरअसल किसी को पता ही नहीं था कनुप्रिया कौन है। इतनी
जाते इतनी टिप्पणी इतनी खिली। 25 साल की उम्र में वो सबसे पहले बाहर आई और उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा हूँ, मैं कनुप्रिया अग्रवाल हूँ।